जयपुर में सीडब्ल्यूसी की चिंतन बैठक खत्म होने के बाद और राहुल गांधी को नई जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना को लेकर जश्न शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता स्टैच्यू सर्कल पर जमा हो गए हैं और ढोल नगाड़े के साथ जश्न मना रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अब से कुछ देर बाद औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा हो सकती है। तो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी को पार्टी में नई जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस में राहुल नीति को लेकर सभी नेता एक स्वर में राहुल को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता हरीश रावत साहब, स्वागत है आपका। मीनाक्षी लेखी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, बहुत स्वागत है। और केजी सुरेश साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले केजी सुरेश साहब, क्या इस पर हर एक राजनीतिक दल की उतनी ही दिलचस्पी और निगाह नहीं होगी जितना खुद कांग्रेस की? ये जो कहा जा रहा है, क्या वैसे उतने ही इनडिफरेंट होंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन कांग्रेस? हाँ, क्योंकि राहुल ने ऐसा कोई करिश्मा अभी तक दिखाया नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के जो युवा संगठनों से जुड़े लोग हैं या युवा जो कार्यकर्ता है, वो जैसे हरीश रावत जी कह रहे थे, वो इस बारे में उत्सुक होंगे। लेकिन जो इंडिया गेट में है, आपने कुछ दिन पहले या जंतर मंतर में जो कुछ दिन पहले युवा युवती देखे, वो तो कम से कम उन्होंने कभी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, ना ही राहुल गांधी उनसे मिलने गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये आम लोग की बात है। हाँ, पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये जरूर हो सकता है। तो इसका, और क्योंकि अभी तक जिस तरीके से, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, कहीं भी जहां भी वो गए हैं, उन्होंने कोई ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त किसी भी, क्योंकि वो अभी भी उनको जो है सरकार के जो तंत्र में आजमाना बाकी है और दल में जो उन्होंने काम किया उससे अभी तक कोई ऐसा प्रभाव कम से कम दिखाई नहीं दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी में कोई इसके बारे में या तो कोई बहुत ज्यादा उत्सुकता या खतरे महसूस करने की ऐसी कोई बात मुझे नहीं नजर आती। केजी सुरेश साहब, क्या ये जश्न ये बता रहा है कि वो आखिरकार तय कर लिया गया है और वर्किंग प्रेसिडेंट ये ऐलान हो जाएगा? नहीं, लगभग तो ये मामला तय ही है। अब ये औपचारिक घोषणा जो है वो क्या आज के जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है उसके बाद होगा या दिल्ली में आकर होगा कोई उपयुक्त समय जो है उसके लिए? लेकिन ये मुझे लगता है कोई संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी अभी से ही घोषणा की जाएगी। कांग्रेस इंतजार करना चाहेगी, 2013 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए इंतजार करना चाहेगी, उसके बाद ही जो है प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का जो है कोई फैसला लिया जाएगा, फैसला या घोषणा उसके बाद ही किया जाएगा। मुझे लगता है कि उससे पहले करने में जो भी नतीजे आएंगे, अगर वो विपक्ष के पाले में गया तो वो उनके इमेज को जो है, उनकी छवि को जो है झटका देने वाली होगी। इसलिए कांग्रेस इस तरह का रिस्क नहीं लेगी। हाँ, एक ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो जरूर इस हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों। मीनाक्षी जी, अब भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में तुलना करके इन सब बातों को देखा जाता है और कांग्रेस के लीडर से बात होती है तो ये कहते हैं कि देखिए कम से कम हमारे यहां दुविधा नहीं है और दुविधा को लेकर मैदान नहीं मारे जाते। देखिए, दुविधा जो है एक राजनीति का हिस्सा है और दुविधा के साथ ही एक एम्बिशन जो है वो भी राजनीति का हिस्सा है और उस हिस्से को अगर ताकत लगा के खत्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन तो करें, काम तो करें, लेकिन आप कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते जब तक कि नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति है या जब तक कि नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति आपको नियुक्त नहीं करता। तो ये आप समझिए कि लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र की जो बेसिक सोच है वो ये है कि अगर मैंने आज राजनीति ज्वाइन की, मैं प्रधानमंत्री भारत की बनूं या ना बनूं वो दूसरा विषय है, लेकिन हर व्यक्ति किसी भी जगह से उठकर ये उम्मीद रखे कि वो कल को प्रधानमंत्री होगा, ये लोकतंत्र का मूल मंत्र है। तो जो लोकतंत्र के मूल मंत्र के खिलाफ पार्टी चलती है वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, वो अपने आप में एक विषय विशेष है। और साथ ही रावत जी कह रहे थे कि आंतरिक लोकतंत्र
कांग्रेस में बहुत है, तो उनको दो ऐसे ऐतिहासिक जो पर्चे हैं वो याद इनको कराना चाहती हूं। पहला, जबकि सुभाष चंद्र बोस को हटाया गया जबकि वो लोकतांत्रिक रूप से जीते हुए अध्यक्ष थे कांग्रेस के और नेहरू को बनाया गया। दूसरा, वही प्रकरण दोबारा हुआ जब सुभाष चंद्र बोस के अलावा पटेल रहे, पटेल जीते वो इलेक्शन और बावजूद उसके नेहरू को बनाया गया। तो ये एक इतिहास की कड़ी है जो कि शायद कांग्रेस बार बार भूलना चाहती है और उसको एक फिफ्टम के तरीके से चलाती रही है। और कांग्रेस आए, जो इंदिरा कांग्रेस थी वो तो बिल्कुल ही जो INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे बिल्कुल फर्क थी अपने इतिहास में भी और कार्यशैली में भी। तो जो आज की कांग्रेस है वो आज इंदिरा कांग्रेस भी नहीं है, वो अब सोनिया गांधी की कांग्रेस है जो कि 84 के बाद बिल्कुल बदली हुई कांग्रेस है। उनकी पॉलिसीज बदली हुई है, उनके सब विषय बदले हुए हैं और अभी राहुल गांधी क्या करिश्मा दिखाते हैं वो हम सब देखने के लिए बैठे हैं, उस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मीनाक्षी जी की अनुकूलन कहेंगी, अगर वो फिफ्टम की तरीके से चलती है तो चलाए, अनुकूलन जी अनुकूलन कहेंगी कि बदलाव कहेंगी? ये बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की जो कौशल है, जो अनुकूलन है जिसके तहत आप सरवाइव करते हैं, ये वो है या आप समझती हैं कि ये नकारात्मक बदलाव है? ये नकारात्मक बदलाव है क्योंकि जो देश की हालत है उस देश की हालत में जो आज की युवा पीढ़ी है चलिए वो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत ही हुई है देश में, और वो लोकतंत्र की जड़ें मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूत हुई है। और आज देश का जो जन जागरण है, जो यूथ है, मीनाक्षी जी और अगर पहली मुख्य बात जो बाहर निकल कर आई थी सोनिया गांधी इस बात पर जोर दे रही है, उन्होंने समझाया इस बात को कि सोशल मीडिया से युवा जुड़ा हुआ है और युवाओं की भागीदारी ज्यादा होगी और उसके तहत ही किया जा रहा है, और जाहिर है कोई भी जानबूझकर ऐसा कदम तो नहीं उठाएगा कि वो आने वाले दिनों में जोखिम भरा हो और बूमरैंग कर जाए। इस पर करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद।